वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको ट्रेन नंबर 09417 अहमदाबाद पटना होली स्पेशल ट्रेन के बारे में जानकारी दूंगा। इस ट्रेन से आप अहमदाबाद से कानपुर, अहमदाबाद से आगरा, अहमदाबाद से पटना, अहमदाबाद से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, अहमदाबाद से प्रयागराज जंक्शन, अहमदाबाद से बक्सर, अहमदाबाद से आरा, अहमदाबाद से दानापुर तक की यात्रा कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने इस ट्रेन के रूट, ये ट्रेन कब चलती है, कौन कौन से स्टेशनों पर रुकती है, कितनी देर रुकती है, इस ट्रेन में आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिल जाएंगी और इस ट्रेन का किराया क्या होगा, इस प्रकार की सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी हुई है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल द रेल यात्री को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे नए और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। तो फिर आइए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको ट्रेन नंबर 09417 अहमदाबाद पटना होली स्पेशल ट्रेन के बारे में जानकारी देता हूं। ये ट्रेन 7 मार्च 2020 को चलाई जाएगी। ये ट्रेन अहमदाबाद जंक्शन से शनिवार वाले दिन शाम 7:55 पर चलेगी। इस ट्रेन को अहमदाबाद जंक्शन से पटना जंक्शन तक के 1742 किलोमीटर के डिस्टेंस को पूरा करने में 36 घंटे 50 मिनट का समय लगेगा। इस पूरी जर्नी में ये ट्रेन 16 स्टेशनों या हॉल्टों पर रुकते हुए पटना जंक्शन पहुंचेगी और इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 47 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। दोस्तों, जैसा कि ये एक स्पेशल ट्रेन है, इसीलिए इस ट्रेन में किसी भी प्रकार की कोई भी केटरिंग या फिर खान पान की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब मैं आपको इस ट्रेन के रेक कॉम्पोजिशन या फिर कोच कॉम्पोजिशन के बारे में जानकारी देता हूँ। इस ट्रेन में 4 जनरल क्लास वाले कोच, 11 स्लीपर क्लास वाले कोच, 4 थर्ड एसी क्लास वाले कोच और 1 सेकंड एसी क्लास वाला कोच इस ट्रेन के रेक कॉम्पोजिशन में होगा। दोस्तों, अब मैं आपको इस ट्रेन के किराए के बारे में जानकारी देता हूँ। इस ट्रेन का जनरल क्लास का किराया है 405 रुपये, इस ट्रेन का स्लीपर क्लास का किराया है 860 रुपये, इस ट्रेन का थर्ड एसी क्लास का किराया है 2195 रुपये, इस ट्रेन का सेकंड एसी क्लास का किराया है 3075 रुपये। मैंने आपको ये जो किराया बताया हुआ है, ये किराया अहमदाबाद जंक्शन से लेकर पटना जंक्शन तक है। भारतीय रेल अपना किराया समय समय पर चेंज करता रहता है। नए किराए या फिर लेटेस्ट किराए की जानकारी के लिए आप भारतीय रेल के रिजर्वेशन काउंटर या फिर भारतीय रेल की ऑफिशियल वेबसाइट IRCTC से आप क्लियर कर सकते हो कि आपका किराया क्या होगा, जिस भी स्टेशन से आप इस ट्रेन में सफ़र करना चाहते हो। अब मैं आपको इस ट्रेन के रूट के बारे में जानकारी देता हूँ कि ये ट्रेन कौन से रूट से होकर पटना जंक्शन पहुँचेगी और इस ट्रेन को कौन कौन से स्टेशनों या हॉल्टों पर रुकना होगा इस ट्रेन की पूरी जर्नी में। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, ये ट्रेन केवल 7 मार्च 2020 को यानी के शनिवार वाले दिन अहमदाबाद जंक्शन से शाम 7:55 पर चलेगी। इस ट्रेन का पहला हॉल्ट नाडियाड जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन रात 9:05 पर पहुँचेगी और 9:08 पर ट्रेन यहाँ से चलेगी। यहाँ पर ट्रेन 3 मिनट रुकेगी। इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट रतलाम जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन रात 3 बजे पहुँचेगी और 3:05 पर ट्रेन यहाँ से चलेगी। यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकेगी। इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट नागदा जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन रात 3:48 पर पहुँचेगी और 3:50 पर ट्रेन यहाँ से चलेगी। यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुकेगी। इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट कोटा जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन सुबह 6:20 पर पहुँचेगी और 6:30 पर ट्रेन यहाँ से चलेगी। यहाँ पर ट्रेन 10 मिनट रुकेगी। इस ट्रेन का पांचवां हॉल्ट सवाई माधोपुर जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन सुबह 7:50 पर पहुँचेगी और 7:55 पर ट्रेन यहाँ से चलेगी। यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकेगी। इस ट्रेन का छठा हॉल्ट गंगापुर सिटी, यहाँ पर ट्रेन सुबह 9:05 पर पहुँचेगी और 9:20 पर ट्रेन यहाँ से चलेगी। यहाँ पर ट्रेन 15 मिनट रुकेगी। इस ट्रेन का सातवां हॉल्ट हिंडेन सिटी, यहाँ पर ट्रेन सुबह 10:05 पर पहुँचेगी और 10:07 पर ट्रेन यहाँ से चलेगी। यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुकेगी। इस ट्रेन का आठवां हॉल्ट बयाना जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन दिन में 11 बजे पहुँचेगी और 11:02 पर ट्रेन यहाँ से चलेगी। यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुकेगी। इस ट्रेन का नवा हॉल्ट आगरा फोर्ट, यहाँ पर ट्रेन दिन में 1:30 पर पहुँचेगी और 1:35 पर ट्रेन यहाँ से चलेगी। यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकेगी। इस ट्रेन का दसवां हॉल्ट टुंडला जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन दिन में 3 बजे पहुँचेगी और 3:05 पर ट्रेन यहाँ से चलेगी। यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकेगी। इस ट्रेन का 11वां हॉल्ट कानपुर सेंट्रल, यहाँ पर ट्रेन शाम 7:35 पर पहुँचेगी और 7:40 पर ट्रेन यहाँ से चलेगी। यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकेगी। इस ट्रेन का 12वां हॉल्ट प्रयागराज जंक्शन,
यहाँ पर ट्रेन रात 10:25 पर पहुँचेगी और 10:30 पर ट्रेन यहाँ से चलेगी। यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकेगी। इस ट्रेन का 13वां हॉल्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन रात 4:45 पर पहुँचेगी और 4:55 पर ट्रेन यहाँ से चलेगी। यहाँ पर ट्रेन 10 मिनट रुकेगी। इस ट्रेन का 14वां हॉल्ट बक्सर। यहाँ पर ट्रेन सुबह 6:05 पर पहुँचेगी और 6:07 पर ट्रेन यहाँ से चलेगी। यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुकेगी। इस ट्रेन का 15वां हॉल्ट आरा जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन सुबह 7:18 पर पहुँचेगी और 7:20 पर ट्रेन यहाँ से चलेगी। यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुकेगी। इस ट्रेन का 16वां हॉल्ट दानापुर। यहाँ पर ट्रेन सुबह 8:15 पर पहुँचेगी और 8:17 पर ट्रेन यहाँ से चलेगी। यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुकेगी। इस ट्रेन का 17वां और अंतिम हॉल्ट पटना जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन सुबह 8:45 पर पहुँचेगी। दोस्तों, अगर आपका इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसा था। एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द रेल यात्री चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।